आधारताल क्षेत्र में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली विभाग के कर्मचारी सुबह 4 बजे से लोगों के घरों में घुसकर बिजली की लाइन काटने लगे। सूचना मिलने के बाद कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा सहित स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर बिजली कर्मियों को जमकर फटकार लगाई और फिर आधारताल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए बिजली विभाग की गाड़ी और सीढ़ी भी जब्त करवाई। पूछताछ में लाइनमैन ने बताया कि जेई और एई साहब के निर्देश पर ही सुबह सुबह लाइन काटी जा रही है। कांग्रेस नेता ने तुरंत ही काटे गए बिजली कनेक्शन भी जुड़वाए। आधार ताल के आस्था नगर में रहने वाले संदीप शुक्ला ने बताया कि आज सुबह जब वो अपने घर में सो रहे थे उसी दौरान बिजली विभाग के कर्मचारी आए और बिना किसी सूचना के लाइन काट दी। लाइनमैन से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि अधिकारियों के द्वारा लिस्ट सौंपी गई है, उसी के तहत हम लोग बिजली काटने की कार्यवाही कर रहे हैं। संदीप शुक्ला ने बताया कि सिर्फ उनके घर में ही नहीं बल्कि कई लोगों के घरों में रात के अंधेरे में घुसकर उनके घरों की लाइन काटी गई है। बिजली विभाग में पदस्थ लाइनमैन स्वयं खंभे में ना चढ़कर अप्रशिक्षित आउटसोर्स कर्मियों को लाइन काटने चढ़ाया हुआ था और उन्हीं से ही बिजली कटवाया जा रहा था। ऐसे में समझा जा सकता है कि अभी तक आउटसोर्स कर्मचारियों की बिजली के खंभे से गिरकर या फिर करंट लगने से मौत हुई है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? लाइनमैन से जब पूछा गया कि आउटसोर्स कर्मचारी को क्यों खंभे पर चढ़ाया तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। लाइनमैन का कहना था कि हम लोग हमेशा से ही ऐसा करते आ रहे हैं। कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा के मुताबिक बिजली विभाग के लाइनमैन के पास बिजली काटने वालों की लिस्ट भी मिली है जो कि संभवतः फर्जी है, क्योंकि उस लिस्ट में नाम तो लिखे हुए थे लेकिन उसमें ना ही बिजली विभाग की सील लगी थी और ना ही अधिकारियों के साइन थे। लिहाजा समझा जा सकता है कि बिजली विभाग की यह लिस्ट फर्जी है जिसे लेकर लाइनमैन घूम रहा था। सौरभ शर्मा ने बताया कि जितने भी घरों की लाइन अंधेरे में काटी गई थी उन सभी घरों की लाइन तुरंत जुड़वा दी गई है और इसके बाद आधारताल थाना पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। स्थानीय निवासी और कांग्रेस नेता की शिकायत पर आधारताल थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर बिजली विभाग की गाड़ी और सीढ़ी को जब्त कर लिया है। पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों के द्वारा बिजली विभाग से संबंधित एक लिस्ट दी गई है जिसमें बिजली काटने का आदेश तो दिया है लेकिन उसमें ना ही सील लगी है और ना ही अधिकारी के साइन है। अब इस मामले की विस्तृत रूप से जाँच की जा रही है। 5 बजे मेरा बिना बताए बिना पूर्व सूचना के लाइट काट दी गई और भी शायद बहुत सारे लोगों की लाइट काटी गई है। हमें तो ये भाई साहब ने बोला नहीं, वो कितने बजे से काट रहे हो? 4 बजे से। 4 बजे से चालू हो जाते हैं? कितने रोज कर रहे हो? आज ही करें। बिजली विभाग के अधिकारी द्वारा एक लिस्ट बिजली जिसको बिल चुकाए नहीं है उसको काटने के लिए लिस्ट दिया गया इनको बिना सील मोहर के, तो वो आधी रात में ही वो काटने पहुंच जाते हैं।